नमस्ते जी, आपका नाम जान सकती हूँ मैं? मेरा नाम नागराजन। आप कब से यहाँ पे लगा रहे हैं? यहाँ पर 8 साल हो गया जी। 8 साल? तो आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या फिर किसी और स्टेट से? इंडिया की? इंडिया में चेन्नई से जी। चेन्नई से? हाँ। आपके पास कौन कौन सी डोसे की वैरायटी है? हमारे पास मसाला डोसा, प्लेन डोसा, पनीर डोसा, स्पेशल मसाला, मैसूर मसाला, गार्लिक मसाला, उत्पम है, इसके अलावा वड़ा सांबार, इडली सांबार। अरे वाह, इतना सब कुछ। और आपका सबसे ज़्यादा जो डोसा है वो कौन सा सेल होता है? सबसे मसाला डोसा ज़्यादा चलता है, ये वाला डोसा मसाला डोसा ज़्यादा चलता है। और भी डोसा है, मगर सारा डोसा ही लोग खाते हैं, किस किस कैसे पसंद है उसे खाते हैं। मसाला ज़्यादा चलता है। अच्छा, मैसूर मसाला डोसा और प्लेन मसाला जो यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? उसका मसाला मैसूर मसाला में ये होता है, उसमें चटनी फ्लेवर आता है, उसमें नारियल वगैरह पेस्ट होता है, उसको डोसे के ऊपर लगा के, उसको ऊपर वेजिटेबल लगा के, उसको ऊपर आलू लगा के देते हैं। तो मतलब वो उससे काफ़ी डिफरेंस होता है? डिफरेंस बहुत डिफरेंस है, टेस्ट में भी बहुत डिफरेंस होता है। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा, कि सांभर तो बिल्कुल सेम होती होगी ना दोनों की? क्या मैम? मतलब सांभर तो दोनों की सेम ही? हाँ, सांभर चटनी सेम होती है। सांभर चटनी सेम होती है। तो ये अभी ये बन रहा है हमारा मसाला डोसा। आप इसमें इन्होंने वेजी डाली हुई है जो बहुत कम देखने को मिलती है। इन्होंने की इमेज जो मुझे दिख रही है वो है बीन्स है, प्याज है, गाजर है, और जो आलू के, हाँ, और क्या कैप्सिकम? है कैप्सिकम, हाँ कैप्सिकम भी है इसमें। तो और मेरे ख्याल से शॉप पे भी इतना वेजिटेबल्स नहीं डालते, सिर्फ नॉर्मल क्या कहते हैं, सिर्फ आलू डाल के सर्व कर देते हैं। लेकिन ये मुझे बहुत इनोवेटिव और न्यू आइडिया लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए ये अंकल बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी हाइजीन है, और इनके प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं खाने के लिए। और इनका सर्विंग स्टाइल देखिए जरा, आप इनका सर्विंग स्टाइल देखिए कितना ज़्यादा नीट। एक सांभर मैं लेती हूँ आज मैसूर मसाला डोसा। जैसे कि अंकल बता रहे कि टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और उसका मतलब टेस्ट अच्छा होता है और अच्छा अलग तरीके से बनता है। तो चलिए आप मुझे एक मैसूर मसाला डोसा बना के दिखाइए। ये देखिए ये कुछ क्लीन कर दिया इसे पानी डाल के। ये मैसूर बन रहा है? हाँ जी, ये मैसूर बन मसाला डोसा बन रहा है। हाँ जी, ये मैसूर मसाला डोसा है, ये चटनी के फ्लेवर है, इसमें सारा कुछ नारियल, लाल मिर्ची, लहसुन, अदरक, इमली सारा पेस्ट होता है, इसमें मिक्सिंग होता है, इसमें खाने में बहुत बढ़िया टेस्ट हो जाएंगे। मसाला डोसा में और मैसूर मसाला डोसा में बेकिंग स्टाइल में कितना डिफरेंस है। ये देखिए ये आ चुका है मेरा मैसूर मसाला डोसा, और आपने इसे बनते हुए भी देखा है। देखिए पास मैसूर मसाला डोसा आ गया है जो आपने बनते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये गया, ये ले लिया मैंने मैसूर मसाला डोसा और ले ली मैंने सांभर।
चटनी के साथ इसे लगा के खाऊंगी मैं। ऐसी इनकी तारीफ नहीं है, ऐसा टेस्ट बड़ी बड़ी शॉप्स में भी नहीं मिलता। हम यहाँ पे आइए, खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, प्योर ऑथेंटिक साउथ इंडियन टेस्ट है। जैसे कि अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो जो आपको टेस्ट मिलता है वो आपको यहाँ पे दिल्ली में मिल रहा है। अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ इस मैसूर मसाला डोसा को, तो मैं दूंगी 20 out of 10, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड आई रियली लाइक इट एंड लव इट। और ये रही नारियल की चटनी। नारियल की चटनी भी कुछ कुछ में ना काफ़ी लिक्विड नारियल लिक्विड ही होती है नारियल की चटनी, लेकिन ये गाढ़ी गाढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ओवरऑल आई लाइक इट। अंकल जी लाल चटनी कौन सी होती है ये? प्याज टमाटर और अदरक लहसुन अदरक की। ये रही ये तो चटनी, वाकई में लाजवाब, कोई बीट नहीं है इसका, बहुत ही अच्छा है, सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप यहाँ पे आइए और ज़रूर ट्राई कीजिए इनका मैसूर मसाला डोसा, ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो आपने अभी कौन सा डोसा ट्राई किया? मैं देख रही हूँ मसाला डोसा ही है। आप कब से खा रहे हैं इनके डोसा? ये करीब 1.5 साल हो गया मेरे को। 1.5 साल। आपको टेस्ट कैसा लगता है? हाइजीनिक है कैसा है? हाइजीनिक भी है और टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। और प्राइस तो बहुत लो है आज के हिसाब से देखा जाए, जैसे मार्केट में और लोग हैं उनसे का। हाँ, लक्ष्मी नगर में आई थिंक सबसे बेस्ट इन्हीं का डोसा है। हाँ जी बिल्कुल, शॉप से भी बेटर, शॉप से बेटर भी है और शॉप से क्या कहते हैं प्राइस भी काफ़ी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू, और क्वालिटी हाइजीन क्वालिटी भी अच्छी है और टेस्ट बहुत अच्छा है इनका। थैंक यू सो मच। वेलकम भाई साहब जी, कैसा लगता है आपको इनका? अच्छा लगता है, मैं तो रब पे खाता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका भाई साहब? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, नवीन कुमार जी कितने मार्क्स देना चाहेंगे इनके खाने को? 100 है, 10 of the 10। चल वेरी गुड, थैंक यू। ये देखिए ये एक वड़ा है और ये इडली, ये भी मैं बना के दिखाएंगे कि कैसे बनता है। बोलते रहना सांभर। और ये नारियल की चटनी ऊपर से और ये लाल वाली चटनी, बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन। ये बड़ा है, ये सांभर। और ये रही वड़ा, ये आ गया इडली और ये रहा वड़ा। मेरे सामने ये आ चुकी है, ये है इडली। मैंने सिंगल सिंगल पीस लिया, डोसा इतना ज़्यादा हैवी हो चुका है ना, तो इसलिए मैंने सिंगल सिंगल पीस लिया। ये है इडली और ये है वड़ा, और सिंगल पीस अगर आप लेंगे तो है 30 रुपये का, चाहे आप इडली लें या वड़ा लें, और जो अगर आप डबल लेंगे तो 50 रुपये का है, जो बहुत ही अफोर्डेबल है। और टेस्ट तो इनका बहुत ही ज़्यादा एपिक है, मतलब मैं कितनी भी तारीफ कर लूँ उतनी कम है। साउथ मतलब ऐसा लगेगा साउथ इंडिया में आप बैठ के खा रहे हैं, लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में खा रहे हैं। ये रही मेरे लिए इडली, इडली बहुत सॉफ्ट है चटनी के साथ, एकदम मतलब लगाती ही टूट गई। बहुत ही अच्छी इडली, बहुत सॉफ्ट है, इसका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आ रहा है, सांभर का भी फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा है, मतलब मीडियम स्पाइसी है, बहुत ज़्यादा ओवर स्पाइसी नहीं है, ओवरऑल बहुत अच्छा है। जो इसके ऊपर जो उन्होंने रेड चटनी डाली हुई है, जो अंकल बता रहे कौन सी है कि प्याज टमाटर, हाँ टमाटर गाजर और इन सब की, वो तो उसका टेस्ट ही अलग है, बहुत ही अच्छी है, वो मेरी फेवरेट चटनी बन चुकी है। तो इसलिए इडली ओवरऑल अगर मैं मार्क्स देना चाहूँ तो मैं दूंगी 11 out of 10, क्योंकि वाकई में बहुत सॉफ्ट, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भर रहा, ये बात है। और ये ना वड़ा, वड़ा भी वड़ा बहुत सॉफ्ट है, इतना तो मतलब एक्सपेंसिव शॉप्स पे भी नहीं मिलता जितना, ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब छूते ही टूट रहा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा,
सॉफ्ट है। ये रहा बड़ा, बड़ा का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, सही में कोई भी आप डिश यहाँ की ट्राई करेंगे वो वाकई में बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत ज़्यादा एपिक है। अच्छा अंकल जी, ये वड़ा किस चीज़ का बनता है? उड़द की दाल का? हाँ, उड़द की दाल का ये वड़ा है। और भी किसी दाल का बनता है क्या वड़ा, या फिर नहीं? नहीं, चने की दाल का बनता है, वो दूसरा वड़ा होता है, मसाला वड़ा होता है। अच्छा, वो बूंदी दाल का ही है। अच्छा, ये उड़द की दाल का ही है। एक अंकल ने बताया कि मसाला वड़ा भी होता है, वो दूसरी दाल का बनता है, चने की दाल का, राइट? चने की दाल का। तो ये उड़द की दाल का वड़ा है, बट ओवरऑल बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसको भी मैं मार्क्स दूंगी 20 out of 10, क्योंकि इतना सॉफ्ट वड़ा मैंने तो कभी कहीं नहीं खाया, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में, मैं भी खुद हैरान हूँ। ये देखिए, इनके पास इनके डोसे की वैरायटी है। इनके पास है प्लेन डोसा, मसाला डोसा, अनियन मसाला डोसा, पनीर डोसा, इवन मैसूर मसाला डोसा भी सेल करते हैं। और प्राइसेस देख सकते हैं आप कि कितने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप महंगे किसी रेस्टोरेंट में जाके डोसा खाते हैं। और इनका हाइजीनिक भी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ताकि मतलब इतने अफोर्डेबल प्राइस में और इतनी बेस्ट क्वालिटी, मैं खुद इतनी ज़्यादा हैरान हो गई हूँ यहाँ पे आके, और इनका डोसा, इडली और सांभर सब कुछ ट्राई करके। तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ और यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें इनके साउथ इंडियन डिशेस। अगर मैं इनके एड्रेस की बात करूँ तो फिर जो अगर आप विजय चौक आएंगे लक्ष्मी नगर में दिल्ली में, तो अगर इनकी कुमार साड़ी वाले की शॉप है, बहुत फेमस शॉप है साड़ी की, उसकी गली के अंदर आप आएंगे तो इनकी शॉप है चेन्नई हार्ट करके, और यहाँ पे सब लोकल लोग इन्हें अन्ना कह के बुलाते हैं, जो मुझे अभी पता चला। तो चलिए, ये ट्रेल पे एक्सप्लोर का आज का सफ़र यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में और डिलीशियस डिलीशियस फूड्स के साथ। तब तक के लिए बाय।